तो ब्राजील के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण हालात खराब हैं। स्टेट डिफेंस एजेंसी के मुताबिक बाढ़ के कारण अब तक 58 लोगों की मौत भी हो चुकी है, वहीं 74 से ज्यादा लोग भी घायल हैं। बाढ़ के करीब 70,000 से ज्यादा लोगों अपना घर छोड़ना पड़ा है। इसके अलावा 67 लोगों के लापता होने की भी खबर है। बाढ़ के कारण ब्राजील के रियो ग्रांडे डो सुल राज्य का पोर्टो अलेग्रे शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। बता दें, सोमवार यानी 28 अप्रैल से रियो ग्रांडे डो सुल में आ रहे तूफानों की वजह से 300 नगर पालिकाएं प्रभावित हुई हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से मदद का वादा भी किया है। साथ ही उन्होंने बाढ़ बारिश के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं ब्राजील के मौसम विभाग ने भी कहा है कि बारिश की बढ़ती तीव्रता के लिए अल नीनो जिम्मेदार है।